वेलकम फ्रेंड्स, कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल के NCERT मैथ की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार यदुवंशी आज आपके सामने अभ्यास 5B यानी कि एक्सरसाइज 5B का पांचवा सवाल लेकर के। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके पहले के सवाल देख लिए थे। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, उनको आपको जो भी उसमें छोड़े गए थे बता दिए जाएंगे। अगर आप वो क्लास नहीं देख पाए, इसके पीछे की क्लास, तो कमेंट करिएगा, तब भी आपको वो क्लास मिल जाएगी। अभी लाइव के दौरान हो सकता है आपके कमेंट्स के जवाब ना मिल रहे हों, तो आप जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो बाद में अभी आप कमेंट करेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है ना। अगर आप पहले से व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित अनुक्रमों में सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास कक्षा 10 NCERT मैथ है तो आप खोल लीजिए जल्दी से अभ्यास। ये आपका 5B का सवाल नंबर 5वां का पहला है ए, क्योंकि 5वां में आपके एफ तक सवाल दिए गए, मतलब कि 5-6 भाग दिया गया है ना। देखिए, अनुक्रम मतलब होता है श्रेणी, ठीक है ना, सीरीज। 50वां पद ज्ञात करना है, मतलब 2, 5, 8, 11 डॉट का 50वां पद। अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है ना। 8 कौन सा पद है? 8 भाई देखिए 1, 2 तीसरे पे है ना, तो ये तीसरा पद है। 11 चौथा पद है, उसी तरह से 5 दूसरा पद है। तो यहाँ पे 11 के बाद क्या होगा? 11, 3, 14 होगा, फिर 17 होगा, फिर 20, फिर 23, ऐसे ऐसे एक समय आएगा जब 50 हो जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि देखिए, इनमें सार्वांतर 3-3 का है। अगर इसको घटाइए 3 आएगा, इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो जोड़ेंगे 3-3 जोड़ते चले जाएंगे। तो 50 कब आएगा? ओह माफ करिएगा, 50वां पद बताना है। मतलब जैसे ये चौथा पद है, ऐसे 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, 50वां पद क्या है ये बताना है। तो अगर हम गिनते जाएं तो ऐसे भी हम 50वां पद निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, आप ये तरीका नहीं अपनाएंगे। देखिए, ये चौथा पद है, 5वां पद 14 हो जाएगा, 6वां पद 17, 7वां पद 20, 8वां पद 23, लेकिन 50वां पद के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, वो कौन सा? Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस सिंपल में आ जाएगा आपका, nवां पद का फार्मूला है ये। जो n दिया गया है मतलब 50 पद, वो आप यहाँ रख देंगे, मतलब कि टी 50वां पद। टी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि टर्म मीन्स होता है पद, और ये टर्म मतलब टी, ठीक है। अब ए का मान क्या है? मतलब पहला पद, ए मतलब पहला पद 2, और यन, यन मतलब जो दिया गया है यानी कि 50 माइनस 1, और डी, डी मतलब सार्वांतर। सार्वांतर देखिए सभी में 3-3 का है कि नहीं, 5 से 2 जाएगा 3 आएगा, 8 से 5 जाएगा 3 आएगा, 11 से 8 जाएगा 3 आएगा, यानी कि ये 3 हो गया। बस रख लीजिए, इतने में हो जाएगा आपका आंसर, यही तो दिया गया ना। इसका अगला सवाल आप लोग कर ले जाएंगे, बिल्कुल आप लोग इसका अगला सवाल कर ले जाएंगे, हल तो कर लेंगे ना। लेकिन मैं कर भी देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। ये देखिए 49 आ जाएगा, ये 3 का गुणा हो जाएगा, और ये 2 + 3 = 27, हासिल 2, 3 + 12 = 14, इस तरह से 149 आ जाएगा। मतलब कि आपका जो 50वां पद आया कितना आया? 149 आ गया, समझ गए ना। इसमें जो 6 सवाल दिए गए हैं उनमें से आप और सभी को कर लेंगे। जल्दी से वीडियो को रोक लें स्क्रीन में टच करके, जिससे आप इसको नोट कर सकें, लिख सकें, नहीं तो हम अभी दूसरा बदल देंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। जल्दी करें या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आपका छूट गया तो कृपया वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिए, नहीं तो फिर अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, इसी में का, यानी कि 5वां में आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी 6 भाग हैं, 6 भाग में से हमने पहला देख लिया, अब हम देखेंगे तीसरा भाग, क्योंकि ये बी वाला और ई वाला इसको आप खुद करेंगे, आसान है। अंडर रूट वाला देख करके आपको बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। देखिए पहले तो इसमें प्रथम पद निकालेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए जो जो दिया गया, पिछले सवाल में हमने नहीं लिखा हुआ था। तो प्रथम पद क्या है? √2 है जो कि दिया गया है। फिर दूसरा आपका आता है सार्वांतर, जिसका अभी काम लगेगा। सार्वांतर क्या है? देखिए सार्वांतर जो है वो दो पदों को घटाने से आता है, मतलब इसमें से इसको या इसमें से इसको घटाएं तो सार्वांतर आता है। तो सिंपल सी बात है, आप घटा लीजिए 3 × √2 से √2 घटा लीजिए। कुछ लोग बहुत लोगों को ये घटाना नहीं आता, उनको काफी हैरानी होती है कि इसको कैसे करेंगे। देखिए कैसे घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको घटाना बहुत ही आसान होता है। इसका गुणांक देखिए कुछ भी नहीं है ना, मतलब 2 के आगे कुछ नहीं है, बट इसके √2 के आगे देखिए 3 है,
तो इस पे एक मान लेते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तीन से एक तो कितना आएगा, दो आएगा आपका, ये दो हो जाएगा और जो रूट दो है वैसे वो रूट दो ही रहेगा। सिंपल वैसा होता है ये, जैसे आप तीन यक्ष से अगर यक्ष घटाते हो तो दो यक्ष लिखते हैं, समझ गए ना। अगर आपको अब भी नहीं आया ना तो जीरो लेवल की मैथ देखिए, जीरो लेवल की मैथ में ये सब सिखाने की आपको पूरी गारंटी होती है। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो आपको ये मिल रहा होगा, रेडी आपको आता होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कितना आया, दो रूट दो आया, समझ गए। अब वही लगा दीजिए ट्रिक, बीसवां पद निकालना है, आप लिखेंगे T20 इक्वल A प्लस N माइनस 1 इनटू D। T20 इक्वल A का मान हमारे पास है रूट दो और प्लस N का मान कितना है 20 माइनस 1 इनटू D का मान है दो रूट दो। हल कर लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट दो और फिर ये प्लस इसमें से घटेगा 19 आ जाएगा, 19 का दो रूट दो में गुणा हो जाएगा, तो ये रूट दो धन 19 दुना 38 रूट दो। इसे आप जोड़ लेंगे, जोड़ करके लिख लीजिए फटाफट, आपका उत्तर आ चुका है 39 इंटू रूट दो हो जाएगा। लेकिन जुड़ेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये 38 इंटू रूट टू है, ये रूट टू है। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप 38 यक्ष में धन यक्ष जोड़ते हो तो कितना आता है, 39 एक्स आता है ना। तो बस उसी तरह से रूट को आप एक्स मान के भी हल कर सकते हो, तो ये 38 में एक जुड़ेगा, ये हो जाएगा 39 और ये रूट दो। ये हो गया आपका 20वां पद। कैसे, जैसे पहला पद रूट दो है, दूसरा पद 3 इंटू रूट दो है, तीसरा पद 5 इंटू रूट दो है। अगर आप गौर करिए तो इनमें दो दो का अंतर आ रहा है। यहां पर अगर कुछ नहीं है तो मैं इसे आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, यहां पे 1 होना चाहिए, ठीक है 1। अब देखिए 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से यहां क्या आएगा 7 इंटू रूट टू, फिर आएगा 9 इंटू रूट टू, फिर आएगा कितना 11 इंटू रूट टू, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। एक समय आएगा जब 20वां पद आप लिखेंगे तो 39 इंटू रूट टू आएगा, समझ गए ना। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए या फिर ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करिए, हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए ऑल टाइम तत्पर। अगला सवाल देखिएगा और इसमें से कुछ हम आपको होमवर्क भी देंगे, उसको आप हल करके लेके आएंगे। हाँ तो होमवर्क के लिए इसमें देख लीजिए, पहले अभी इसी बुक का यानी कि कक्षा 10 एनसीईआरटी का अभ्यास 5 यानी कि एक्सरसाइज 5B का 5वां सवाल का दूसरा भाग आप लोग खुद से करेंगे, यानी कि बी वाला पार्ट और ई वाला पार्ट भी खुद से करेंगे। इसमें से ए और सी मैंने करा दिया आप लोगों के लिए, जो भी और बचा है उसको खुद से करेंगे। उसके बाद 5B का ये खत्म हो जाता है, हम आते हैं 6वां सवाल पे। 6वां सवाल कह रहा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, बस मैं आपको तुरंत बता रहा हूं। देखिए मित्रों, यहां पर जो आपका सवाल दिया गया 6वां नंबर, ये क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब पहले क्वेश्चन का कांसेप्ट समझिएगा, ये सवाल कह रहा है क्या, समांतर श्रेणी जो दी गई है, यहां पर पहले आप लिख लेंगे दी गई श्रेणी क्या दिया है 3, 8, 13 और फिर डैश 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 253 अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। मतलब कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से आपको नहीं निकालना है, ये 253 आपका कौन सा पद है, लास्ट पद है, तो पीछे से गिन के निकालना है। जरा गौर करिए इनमें समांतर कितना है, 3 जब घटाएंगे 8 से तो 5 आएगा ना, 13 से 8 घटाएंगे 5 आएगा ना, इसका मतलब समांतर कितने का है, 5 का है। तो इस श्रेणी को हम क्या करेंगे, पलट के लिख लेंगे, क्योंकि हमें अंतिम पद से निकालना है, यानी 253 से पहले आएंगे 5 तो कितना आएगा 248, उसे 5 नीचे आएंगे 243। तो लिखिए श्रेणी को और वही क्रम में लिखने पर, श्रेणी को और वही क्रम में लिखने पर, कोई दिक्कत होगी निसंकोच बोलिएगा, और वही क्रम में लिख लीजिए क्रम पलट के। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कैसे हमने आरोही क्रम में लिख लिया तो देखिएगा,
देखिए 48 43 फिर इधर आएगा 238 ऐसे 233 ये डॉट 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 फिर 13 8 3 आ जाएगा जो कि यहाँ पे थी। देखिए कैसे आया था, ध्यान दीजिएगा इसमें सार बांतर कितना है, जो श्रेणी आपको पहले दी गई थी इसमें प्रथम पद तो देखिए 3 है, सार बांतर कितने का है, 5 का है ना, तो 5 5 हमने यही से काम करना शुरू कर दिया। 253 से 5 कम किया 248, 248 से 5 कम किया तो कितना आया 243। इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया ये और ये उल्टा क्रम हो गया। अब सिंपल सी बात है 20वां पद निकालना है, निकाल लीजिए। यहां पर अगर हम सार बांतर निकालेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। क्यों माइनस क्यों आएगा, क्योंकि भाई पीछे से अगर हमें पद निकालना है तो हम उल्टा करेंगे, घटाएंगे, सार बांतर माइनस में रखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अंतिम से 20वां पद यानी कि T20 इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस मान रख दीजिए, यही सवाल तो है ना, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है, रख दीजिए मान। प्रथम पद क्या है अब 253, 3 नहीं रखेंगे प्रथम पद, याद रखिएगा क्योंकि पीछे से बोला है अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो 253 प्लस n का मान, n मतलब 20वां पद ना, ये 20 माइनस 1 इंटू डी, हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 253 प्लस 19 आएगा और ये हो जाएगा 19d। देखिए d का मान क्या रखेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, नहीं माइनस 5 रखेंगे d का मान। और इस तरह से 19 पंचे कितना आएगा आपका, 19 का पढ़ा याद होगा ना, 19 57 19 76 19 95। अगर टेबल नहीं आता कमेंट करिएगा, आपको टेबल की ट्रिक बताई जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस में 95 और 253 से जब आप 95 घटाएंगे तो समझ लीजिए कितना आएगा। इधर साइड में लिख के दिखा देता हूं, ये देखिए 13 से 5 गया 8 और ये 14 में से 9 गया 5 है ना, 9 5 14 कितना आएगा 158 आएगा, कुछ और आएगा, घटा लीजिएगा, ये हो गया आपका 158 आंसर। समझ गए ना, अतः दी गई श्रेणी के अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा 158 होगा, मतलब अंतिम पद से पहला पद 253, अंतिम पद से दूसरा पद 248, अंतिम पद से चौथा पद 238 और ऐसे घटता आएगा तो ये 158 आ जाएगा 20वां पद पे। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया, अभ्यास था 5B। इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे, कल इसी समय पर देखिएगा हर दिन सुबह 8 बजे से। अगर किसी दिन क्लास नहीं मिलती है तो आप दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करें। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपको व्हाट्सएप पर हर दिन लिंक मिल जाया करेगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो हो सकता है आपको यूट्यूब पर कभी कभी क्लास मिले कभी ना मिले, समझ गए ना। अगर आप और भी विषय पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो आपका कक्षा 10 में है फिलहाल, अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अनअकैडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आपको और भी विषय की क्लास मिल सके। जल्दी ही हम यूट्यूब पर सभी टीचर उपलब्ध करवाएंगे, आपको सभी क्लास मिलेंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको और सभी क्लासें मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा आपसे एक नई उम्मीद के साथ अगली क्लास शाम 7 बजे से। देखिएगा जीरो लेवल मैथ, जिसमें आप पढ़ते नहीं सीखते हैं, जी हाँ बिल्कुल अवश्य सीखिएगा शाम 7 बजे से। शाम 8 बजे से होगी ट्रिकी मैथ सभी के लिए, 9:30 बजे से होगी डीएलएड की मैथ और 10 बजे से भी डीएलएड मैथ होगी, तो अवश्य देखिएगा, थैंक यू। उसके पहले शाम 6 बजे से पर्यावरण अवश्य देखिएगा, टेट सीटेट के लिए स्पेशल। अगर क्लास नहीं ज्वाइन किया तो हो सकता ना दिखे, ऊपर दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करिएगा और क्लास ज्वाइन करें, पीडीएफ फाइल टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा।